हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4। हम क्लास टेंथ का मैथ कर रहे हैं। इससे पहले हमने इसके तीन चैप्टर्स और इस चैप्टर की तीन एक्सरसाइज कर ली हैं। आज हम एक्सरसाइज 4.4 कर रहे हैं। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। तो क्या बता रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। मतलब हमें इसके नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं। तो हमें इक्वेशन दे रखी है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x² - 3x + 5 = 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये इसने ये बता रखा है कि हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालने, कब निकालने हैं, जब इसके रियल रूट्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। तो देखो, हम इसके रियल रूट्स कैसे निकाल सकते हैं, वो कैसे पता करेंगे कि ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते? तो उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला जो है d = b² - 4ac, ये निकालना पड़ेगा। इफ़ d = 0 तो इक्वल रूट्स ये एग्जिस्ट करेगा। इफ़ d > 0 देन 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे और ये भी हमारा एग्जिस्ट करेगा। इसके दो अलग अलग रूट्स आएंगे। इफ d < 0 होगा ना, तो ये इसकी वैल्यू है ना, d की नेगेटिव में आएगी, तो ये तब हमारा नो रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो अभी देखो, यहां से हम ये वाली इक्वेशन दे रखी है, 2x² - 3x + 5 = 0। यहां से पहले तो हम देखो ये वाली इक्वेशन दे रखी है, यहां से पहले हम d = b² - ac, बी ए सी की वैल्यू निकालेंगे। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 5। अभी d = b² - 4ac, तो b² - 3² - 4, a 2 और c 5। तो ये 3 3 = 9, 4 2 = 8, 8 5 = 40। तो ये वैल्यू आ गई हमारी -31। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, -31, जो है < 0। < 0 के लिए नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रूट्स एग्जिस्ट। तो अभी आगे हमें इसके नेचर ऑफ रूट्स निकालने ही नहीं, हमें नेचर ऑफ रूट्स तभी तो निकालेंगे ना जब इसके रूट्स निकलेंगे कुछ। तो यहां से ये वैल्यू < 0 आ गई, तो ये नो रूट्स एग्जिस्ट। अभी हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, 3x² - 4√3 + 4 = 0। यहां पहले a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4√3 और c की वैल्यू 4। तो वही d = b² - 4ac, b² - 4√3² - 4 3 और 4। अभी 4√3 को हम कैसे, इसका स्क्वेयर कैसे करेंगे, 4 का हो जाएगा 16, रूट 3 का कितना हो जाएगा 3, तो 16 3 = 48, 48, 4 4 = 16, 16 3 = 48। तो ये 0, मींस d = 0, तो मतलब एग्जिस्ट करेंगे रूट 2 इक्वल रूट्स। अभी आगे हमें क्या करना है, अभी इसको नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालेंगे, x = -b + -d/2a। तो अभी देखो, -b कितना था हमारा, -4√3 + -d कितना है 0/2, a कितना है 3। तो ये -± 4√3/2 3 = 6। तो यहाँ से ये 2 2 = 4, 2 3 = 6, ये कितना हो गया 2√3/3। अभी हम ना इस, कई बार क्या होता है आंसर मैच नहीं होता, तो कैसे नहीं होता, देखो 3 है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको रूट में लिखना हो तो √3 × √3, मतलब √3 का स्क्वेयर है उसको हम 3 लिख सकते हैं। तो 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं, तो 2√3, इसको रूट
थ्री इंटू रूट थ्री, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, कितना बच गया, टू बाई रूट थ्री। ये हमारे इसके नेचर ऑफ रूट्स आ गए। ठीक है, अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट करते हैं। तो टू एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री इजिक्वल्स टू जीरो। तो वही पहले हम इसकी डी निकालेंगे। तो बी कितना हमारा, माइनस सिक्स, तो बी का स्क्वेयर माइनस फोर ए और सी। तो सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स, फोर टू जा एट, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर। ये कितना हो गया हमारा, सिक्स फोर टू थ्री टू वन, ये ट्वेल्व। मतलब डी ग्रेटर देन जीरो, मतलब इसके टू रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो अभी हम वही एक्स जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस बी प्लस माइनस डी बाई टू ए। तो वही बी की जगह इसकी वैल्यू माइनस सिक्स प्लस माइनस डी ट्वेल्व बाई टू इंटू टू। तो ये कितना हो गया, प्लस सिक्स प्लस माइनस ट्वेल्व बाई फोर। अभी इसको हम सोल्व करके लिख लेंगे, एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे, तो ये वैल्यू निकल आएगी एक्स की। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। क्या बता रखा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। मतलब हमें के की वैल्यू निकालनी है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी उसमें के की वैल्यू निकालनी है। और इसने पहले ही बता दिया कि ये जो यहाँ पे टू इक्वल रूट्स है, मतलब डी की जो वैल्यू है ना वो जीरो है, ये इसने गिवन। मतलब इक्वल रूट्स का मतलब यही था ना, डी इजिक्वल्स टू जीरो आएगा तभी अपने इक्वल रूट्स बनेंगे ना। तो इसने ये कंडीशन पहले ही बता दी कि डी इजिक्वल्स टू जीरो, ये चीज़ हमें दे रखी है। ठीक है, तो अभी देखो क्या इक्वेशन दे रखी है, टू एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस थ्री इजिक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से ए की वैल्यू टू, बी की वैल्यू के और सी की वैल्यू थ्री। तो डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। डी कितना दे रखा है, जीरो, जीरो इज इक्वल्स टू के स्क्वेयर माइनस फोर टू जा एट, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर। तो ये के स्क्वेयर माइनस ट्वेंटी फोर इज इक्वल्स टू जीरो। के स्क्वेयर को इसी साइड रख लो, ट्वेंटी फोर, के इसका स्क्वेयर हटके ये यहाँ पे रूट लग जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, प्लस माइनस ट्वेंटी फोर। अभी ट्वेंटी फोर को हम एक इसको सोल्व करके भी लिख सकते हैं, जैसे इसके फैक्टर बनाएंगे, ये टू सिक्स जा टू थ्री जा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री। तो जो परफेक्ट स्क्वेयर बन रहा है, देख यहाँ पे इस वाली चीज़ को हम टू का स्क्वेयर इंटू टू इंटू थ्री, इस स्क्वेयर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अंदर इनको देखो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, टू का स्क्वेयर इंटू टू इंटू थ्री। तो इस स्क्वेयर से ये स्क्वेयर कट गया, टू इंटू टू क्रॉस थ्री, तो टू इंटू रूट सिक्स, ये हमारी के की वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। क्या बता रखा है, के एक्स एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये देखो कोई जनरल फॉर्म नहीं बन रही हमारी, जनरल फॉर्म क्या बनती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, ये बनती है। तो इसको जनरल फॉर्म बनाने के लिए इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये क्या हो गया, के एक्स स्क्वेयर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये इस फॉर्म में आ गया ना, तो देखो अभी यहाँ से हमें क्या बता रखा, बी इज इक्वल्स टू जीरो इसमें भी दे रखा है, डी सॉरी डी इज इक्वल्स टू जीरो। तो डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। तो ये बी कितना है, माइनस टू के का स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इज इक्वल्स टू जीरो। ये टू टू फोर के स्क्वेयर माइनस
सिक्स फोर जा 24 के इज इक्वल्स टू जीरो, यहाँ से 4 के कॉमन निकाल लेंगे तो कितना बच जाएगा k माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो, तो k माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो बाई 4k, तो ये जीरो ही हो जाएगा, जीरो के डिवाइड में कुछ भी हो जीरो ही हो जाता है, तो k माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो, तो k की वैल्यू कितनी आ गई प्लस सिक्स। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस हमें सिर्फ सोल्व करना है इसको। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं, तो क्या बता रखा है, इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया ऑफ 800 मीटर स्क्वेयर। तो हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। रेक्टेंगल मतलब हमने एक रेक्टेंगल ले लिया। क्या बता रखा है, इसकी जो लेंथ है ना वो ट्वाइस है इसकी ब्रेथ से, मतलब ये हमने इसकी ब्रेथ ले ली, इसकी लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो देखो, लेट लेंथ नहीं ब्रेथ लेंगे हम, क्योंकि इसकी लेंथ तो ट्वाइस दे रखी है ना, तो पहले जो ब्रेथ लेके चलेंगे हम इसकी, लेट ब्रेथ इज इक्वल्स टू एक्स, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2x। ठीक है, अभी आगे इसने क्या बता रखा है कि इसका एरिया 800 मीटर स्क्वेयर है, तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है x मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है एरिया 800 मीटर स्क्वेयर, तो यहाँ से देखो ये क्या हो गया, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 800, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 800 बाई 2, ये 400, ये एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 400, ये स्क्वेयर हटके इसके ऊपर रूट लग जाएगा प्लस माइनस, तो ये 400 किसका परफेक्ट स्क्वेयर होता है 20 का, एक्स इज इक्वल्स टू 20 स्क्वेयर, 20 से 20 रूट कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20, मीन्स अब इसकी ब्रेथ आ गई 20 और इसकी लेंथ आ गई 2x था, तो 2 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 40 मीटर। ठीक है, देखो कुछ भी नहीं है, इसकी ब्रेथ ले लेंगे पहले, फिर इसकी लेंथ ट्वाइस दे रखी है इसकी ब्रेथ की, फिर एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसका एरिया दे रखा 800 मीटर स्क्वेयर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वेयर 400 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 20 आ जाएगी, एक्स की 20 आ गई तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 2x दे रखी है तो 40 मीटर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं हम, इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, अगर सिचुएशन पहले तो हम एक बार देखते हैं कि आगे क्या क्या सिचुएशन दे रखी है, अगर वो पॉसिबल होगी तो हम उसको आगे सोल्व करेंगे। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, मतलब दो फ्रेंड्स हैं उनकी एज का सम बता रखा है 20 ईयर्स, तो पहले तो इसकी प्रेजेंट एज ले लेंगे, एजेस वाले क्वेश्चन में हमेशा पहले प्रेजेंट एज लेनी होती है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज इक्वल्स टू एक्स एंड वाई। अभी आगे क्या बता दिया इसने, द सम ऑफ द एजेज ऑफ टू फ्रेंड्स इज, मतलब इनकी एज ये है एक्स और वाई, इनका सम बता रखा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20 ईयर्स। ठीक है, 4 ईयर्स एगो, तो देखो अभी इनकी प्रेजेंट एज ये है, तो इनकी 4 साल पहले एज कितनी होगी, इसकी होगी x माइनस 4 और इसकी होगी y माइनस 4, मतलब प्रेजेंट एज तो ये है 4 साल पहले x माइनस 4 y माइनस 4, तो इनका प्रोडक्ट कितना है 48 ईयर्स है, मीन्स इसने x माइनस 4 y माइनस 4 कितना बता दिया 48। अभी यहाँ से देखो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20 है, तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं 20 माइनस वाई। ठीक है, तो ये 20 माइनस वाई माइनस 4, ये y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 48,
एक्स की जगह हमने 20 माइनस वाई पुट कर दिया, 24, 16 माइनस वाई, वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 48। अभी इस वाली इक्वेशन को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो ये हमारी कितनी बन जाएगी, 16 वाई माइनस 16, 4 जा 64, माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 4 वाई इज इक्वल्स टू 48। तो ये 16 वाई माइनस 4 वाई, 12 वाई माइनस 64 माइनस वाई स्क्वेयर, ये इस साइड आके माइनस 48 हो जाएगा। अभी ये माइनस वाई स्क्वेयर, इसको एक जनरल फॉर्म में बना लेंगे, प्लस 12 वाई, ये कितना हो जाएगा माइनस 112 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये वाई स्क्वेयर माइनस 12 वाई प्लस 112 इज इक्वल्स टू 0। तो अभी हमें यहाँ से ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अभी ये देखना है कि फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, मतलब इसके रूट्स निकलते हैं या नहीं निकलते। तो हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू निकाल के देखेंगे। तो डी की वैल्यू बी ये है, सी ये है, ए हमारा 1 है। तो माइनस बी स्क्वेयर, बी का स्क्वेयर माइनस 12 स्क्वेयर माइनस 4 ए सी 1 इंटू 1 12, तो 114 माइनस ये हो जाएगा 4 2 8, 4 4 4। तो ये हमारी माइनस में आ रही है इसकी वैल्यू, मतलब नो रूट्स एग्जिस्ट। तो हम इसको आगे सोल्व ही नहीं कर सकते अगर इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो, ठीक है। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बता रखा है, इट इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड द एरिया 400 मीटर स्क्वेयर। तो हमें इसकी, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। कोई भी एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, उसका पेरीमीटर बता रखा है 80 मीटर एंड एरिया बता रखा है, तो हम इसकी लेंथ ले लेंगे एल और ब्रेथ ले लेंगे बी। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। जो हमें बता रखा है इसका पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी कितना बता रखा है हमें, 80 मीटर स्क्वेयर। और इसका एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू, सॉरी टू नहीं, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू, ये कितना बता रखा है एरिया इसका, 400 मीटर स्क्वेयर, ठीक है। अभी यहाँ से देखो, ये 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल्स टू 80 है, तो एल प्लस बी ये इस साइड आके इसकी डिवाइड में हो जाएगा तो 40 बचेगा। तो यहाँ से हम एल की वैल्यू निकाल लेंगे, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 माइनस बी। तो अभी ये जो एल की वैल्यू है ना, ये इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 40 माइनस बी मल्टीप्लाई बी इज इक्वल्स टू 400, ठीक है। अभी इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 40 बी माइनस बी स्क्वेयर माइनस ये 400 इस साइड आके इसमें हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो बी स्क्वेयर माइनस 40 बी प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर लेंगे, माइनस 20 बी माइनस 20 बी प्लस 400, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, 20। तो बी 20 है, तो इसकी लेंथ यहाँ से निकाल लेंगे, ये एल प्लस बी इजिकल्स टू 40 था, तो एल प्लस बी इजिकल्स टू 40, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। तो इसकी लेंथ है 20 और ब्रेथ है इसकी 20 मीटर, ठीक है, इसकी लेंथ और ब्रेथ निकल आई। ये हो गई इसकी एक्सरसाइज, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज़ मेरे से कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछना, और मेरी वीडियोस कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक यू।